फ्लोटिंग और इनलाइन फ्रेम्स, बेसिकली स्क्रोलेबल पैंस जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं थ्रू फ्लोटिंग फ्रेम्स, इनलाइन फ्रेम्स, क्रिएटिंग फ्लोटिंग स्क्रोलेबल पैंस विद इन द बॉडी ऑफ एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, दे वर इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोर एंड इनकॉर्पोरेटेड इन द एचटीएमएल कोड डॉक्यूमेंट्स। तो बेसिकली इनलाइन फ्रेम्स या फ्लोटिंग फ्रेम्स जो है वो आपको स्क्रोलिंग स्क्रोलेबल पैंस जो है विद इन द बॉडी ऑफ एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। ये इनिशियली माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोर ने इंट्रोड्यूस करवाया गया और बाद में एचटीएमएल 4 स्टैंडर्ड के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। इसे इनलाइन फ्रेम इज डिफाइंड बाय द आई फ्रेम एलिमेंट एंड मे अकर एनीवेयर विद इन द बॉडी एलिमेंट ऑफ एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली इनलाइन फ्रेम जो है वो आप आई फ्रेम के टैग या एलिमेंट के थ्रू डिफाइन करते हैं और आप इसको बॉडी एलिमेंट्स के अंदर यानी कि एचटीएमएल के बॉडी एलिमेंट्स टैग्स के अंदर कहीं भी इसको डिफाइन कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। द मेजर एट्रीब्यूट टू सेट फॉर द आई फ्रेम एलिमेंट इंक्लूड SRC, हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट्स। ये तीन इसके मेजर एट्रीब्यूट्स हैं और इन तीनों एट्रीब्यूट्स का पर्पज़ क्या है। तो SRC इज सेट टू द URL ऑफ द फाइल टू लोड, वाइल हाइट एंड विड्थ आर सेट टू ईदर अ पिक्सल और परसेंटेज वैल्यू ऑफ द स्क्रीन दैट फ्लोटिंग फ्रेम रीजन शुड कंज्यूम। तो बेसिकली SRC एलिमेंट जो है वो जो एट्रीब्यूट जो है दैट इज़ यूज टू डिफाइन द URL यानी कि पाथ फाइल का जो है वो स्पेसिफाई करते हैं जिस फाइल ने उस आई फ्रेम या फ्लोटिंग फ्रेम्स रीजन के अंदर लोड होना होता है। हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो आप पिक्सल्स और परसेंटेज की सूरत में स्पेसिफाई कर सकते हैं जो कि बेसिकली स्क्रीन का एरिया या रीजन जो है वो स्पेसिफाई करेंगे जितने एरिया या रीजन में वो फ्लोटिंग फ्रेम जो है वो क्रिएट होगा और कंज्यूम करेगा उस एरिया को। लाइक एन इमेज एलिमेंट फ्लोटिंग फ्रेम्स शुड सपोर्ट अलाइन एच स्पेस एंड वी स्पेस एट्रीब्यूट फॉर बेसिक पोजिशनिंग इन द फ्लो ऑफ टेक्स्ट। जैसे कि हमने इमेज एलिमेंट के बारे में स्टडी किया था जिसमें हमने ये तीनों एट्रीब्यूट्स अलाइन एक्स स्पेस और वी स्पेस एट्रीब्यूट को यूज़ करके टेक्स्ट फ्लो जो था अराउंड द इमेज हमने स्पेसिफाई किया था। सेम यही एट्रीब्यूट जो है वो आप फ्लोटिंग फ्रेम के साथ यूज़ कर सकते हैं और हम फ्लो ऑफ टेक्स्ट जो है अराउंड द फ्लोटिंग या इनलाइन फ्रेम में जो है उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसकी पोजीशनिंग को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अलाइन एच स्पेस और वी स्पेस एट्रीब्यूट वर्क लाइक जैसे कि इमेज एट्रीब्यूट के लिए हमने यूज़ किया था। रिमेंबर अनलाइक फ्रेम एलिमेंट्स द आई फ्रेम एलिमेंट कम विद अ क्लोज टैग। तो जैसे कि फ्रेम टैग्स जो है वो सिंगुलर टैग है, उसके साथ हम क्लोजिंग टैग यूज़ नहीं करते, बट आई फ्रेम एलिमेंट्स के साथ हम जो है क्लोजिंग टैग भी यूज़ करते हैं। आई फ्रेम ओपनिंग एंड आई फ्रेम क्लोजिंग शुड कंटेन एनी HTML मार्कअप कोड। और ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग आई फ्रेम टैग्स हैं इसमें कोई भी मार्कअप कोड को हम HTML के मार्कअप कोड को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एंड टेक्स्ट इज सपोज टू बी अ डिस्प्ले इन ए ब्राउज़र दैट डू नॉट सपोर्ट द फ्लोटिंग फ्रेम। अगर आपका ब्राउज़र फ्लोटिंग फ्रेम को सपोर्ट नहीं करता होगा तो उसमें आपको टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले होगा ब्राउज़र की में। लेट्स सी, हम एग्जांपल देखते हैं और इन फ्लोटिंग फ्रेम्स को यूज़ करते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं। जी यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम इनलाइन फ्रेम जो है उसको क्रिएट करते हैं। तो ये ऑलरेडी मैं फाइल इनलाइन फ्रेम डॉट HTML के नाम से सेव कर ली और इसको ब्राउज़र में ओपन किया। जस्ट हम इस डॉक्यूमेंट्स के दो सेक्शंस क्रिएट करते हैं, हेड एंड बॉडी। हेड सेक्शन के अंदर हम टाइटल स्पेसिफाई करते हैं, पे हम बॉडी के अंदर आई फ्रेम टैग यूज़ करते हैं, आई फ्रेम टैग्स। और अब हम पाथ डिफाइन करते हैं, कॉन्टेक्ट अस डॉट HTML की एक फाइल ऑलरेडी मेरे पास क्रिएटेड है फोल्डर के अंदर। विड्थ एट्रीब्यूट यानी के आई फ्रेम जो है कितनी स्पेस जो है स्क्रीन की कंज्यूम करे, हाइट साथ ही हम अलाइन एट्रीब्यूट इक्वल टू लेफ्ट
ये हमने स्पेसिफाई किया ताकि अलाइनमेंट जो है आई फ्रेम की वो क्या होनी चाहिए और हाइट और विड्थ क्या होनी चाहिए। इसी तरह जैसे हमने स्टडी किया था कि आई फ्रेम का ओपनिंग के साथ साथ क्लोजिंग टैग भी हम यूज़ करते हैं, ये हमने यूज़ कर लिया। इसके साथ ही हम एक पैराग्राफ टैग यूज़ करते हैं और फॉन्ट स्पेसिफाई करते हैं। सेव किया हमने फाइल को और ब्राउज़र की विंडो को हम रिफ्रेश करते हैं तो ये वो रीजन है जो हमने क्रिएट किया जिसमें हमारे पास जो है आई फ्रेम यानी कि स्क्रोलेबल रीजन जो है वो आप क्रिएट कर चुके हैं। हाइट और विड्थ जो आपने स्पेसिफाई की है अगर उसको ओपन करें तो ये हाइट और विड्थ जो है इसकी 50% हाइट एंड विड्थ है और URL में जो आपने स्पेसिफाई किया था ये कॉन्टैक्ट एस के नाम से फाइल जो है वो हमने पाथ स्पेसिफाई किया था तो वो फाइल जो है स्क्रोलेबल रीजन के अंदर जो है ओपन हो गई है या लोड हो गई है। तो ये आई फ्रेम की एग्जांपल है जिसे हमने अभी स्टडी किया था।